जब गाड़ी चलाते होंगे तो डैशबोर्ड में बतेरे तरह की लाइट आती होगी, या फिर गाड़ी के डैशबोर्ड मीटर में वार्निंग लाइट बहुत सारी होती है, बहुत डिसकलर भी होती है, कई सारे वार्निंग लाइट होती है। लेकिन वो कौन कौन सी लाइट है जिसके आ जाने से आपने थोड़ी सी भी गाड़ी चलाई तो इंजन सीज हो सकता है भाई। और सिर्फ मैं इंजन सीज के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं ये, कि वो कौन कौन सी लाइट है जिसके आ जाने के बाद थोड़ा बहुत भी हमने गाड़ी चला दी तो इंजन हो जाते हैं सीज। ठीक है, तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गोंड नोएडा इंडिया से, और 3 लाख सब्सक्राइब आपने कर दिया है, दिल से थैंक यू भाई इतना सपोर्ट और इतना मोहब्बत देने के लिए। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यार ऐसे ही चलता रहे सपोर्ट, आप बहुत अच्छा लगता है। बात कर लेते हैं ये डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट के बारे में, कि जो कौन कौन सी वार्निंग लाइट जो ज्यादा खतरनाक होती है। वैसे तो देखा जाए इसमें 3 कलर की लाइटें समानता होती हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन का मतलब कोई भी सेंसर एक्टिवेट होता है या कोई भी चीज एक्टिवेट होता है तो ग्रीन लाइट जल जाती है, उस पे गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी रोकने का दिक्कत नहीं है यदि ग्रीन कलर की लाइट आ रही है तो। अब बात कर लेते हैं ऑरेंज कलर की लाइट। ऑरेंज कलर वाली कोई भी लाइट हो, टायर प्रेशर को छोड़ के, जैसे टायर प्रेशर वाली जो लाइट आती है वो भी ऑरेंज कलर की आती है, तो उसमें टायर का प्रेशर चेक कर लो ना तो स्टेपनी स्टेपनी चेंज कर लो, पर गाड़ी रुकेगी नहीं, आपकी चलती रहेगी, चलाते रहोगे, नो टेंशन। अब बात कर लेते हैं रेड वाली लाइट की। जितने भी वार्निंग लाइट होती है जो रेड कलर में होती है, उन सब में कुछ लाइटें होती हैं कि जिसके आ जाने से भी गाड़ी आप चला सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि आपका एयरबैग की लाइट आ गई, मतलब एयरबैग का आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, समझ जाओ एयरबैग काम नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से चलाओ ना आप गाड़ी। ठीक है, ब्रेक की लाइटें हैं, स्टेयरिंग की लाइटें हैं, बहुत सारी लाइटें हैं कि आपको एकदम इमरजेंसी नहीं हो गया कि बिल्कुल गाड़ी रोक ही देना है, इंजन फट ही जाएगा, इन सब चीजों से इंजन नहीं फटेगा। वो कौन सी लाइट है जिससे इंजन फट जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा आते ही, और आते ही नहीं होता है, आने के बाद हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो होता है, और हमारे पास आए दिन खुलते रहते हैं, महीने में 2-4 ऐसी गाड़ियां खुली जाती हैं। 3 लाइटें हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं जो ज्यादा डेंजरस हो सकती है आपके लिए, जानना बहुत जरूरी है। पहली लाइट ऑयल प्रेशर की लाइट, दूसरी लाइट कूलेंट टेम्परेचर की लाइट, और तीसरी है बैटरी की लाइट अल्टरनेटर वाली। बात कर लेते हैं पहले 2 लाइट के बारे में जो ज्यादा ही डेंजरस है, वो है ऑयल प्रेशर लो की लाइट। इस लाइट में भी 2 लाइट है, ध्यान से देखना, यहां से वीडियो ध्यान से देखना, बहुत काम की चीजें हैं। ऑयल प्रेशर लो की लाइट 2 तरह की होती है, एक येलो कलर की और एक रेड कलर की। जो येलो कलर की लाइट आ रही है इसका मतलब यह है कि आपके इंजन में ऑयल का लेवल कम है, गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रोक के देखना चाहो तो देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गाड़ी आप चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मिनिमम जो लेवल होता है वहां आती है, तो ये ऑयल प्रेशर वाली जो लाइट होती है लो की, येलो कलर की, जल जाती है। अब बात कर लेते हैं रेड वाली आ गई तो क्या करेंगे। ये जो रेड वाली ऑयल की लाइट आ रही है ना, ऑयल प्रेशर की, ये डेंजरस है। आप कितना इमरजेंसी में है, हाईवे पे हैं, कहीं भी हैं, यदि ये लाइट जल गई तो गाड़ी आप कर दीजिए बंद, वरना आप 10 से 15 मिनट गाड़ी स्टार्ट रख दिए तो आपका इंजन हो जाएगा सीज। मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हुंडई i20 इंजन ऑयल, इंजन फ्लश करने के बाद से उसका इंजन सीज हो गया था, जो कस्टमर को पड़ा था भारी। हुआ क्या था, इंजन फ्लश कर दिया उसने, गाड़ी चलाया, स्टेनर चोक हो गया, स्टेनर चोक होते ही ऑयल की लाइट आ गई, तो उनको लगा कि यार अभी तो मैंने सर्विस कराई है और ऑयल की लाइट जल गई। ऑयल की लाइट जलने के घड़ी के टाइम से 6 मिनट बाद इंजन सीज हो गया, हमारे पास बंद गाड़ी आई, हमने वो चीज नहीं चेक कर पाई, कस्टमर ने बताया था कि इंजन सीज होने के 6 मिनट पहले ये लाइट जली थी, ऑयल की लाइट। तो देखो कितना छोटी सी लापरवाही, थोड़ा सा नॉलेज नहीं, ये गाड़ी खेच दी, इंजन सीज हो गया। तो मैं बता रहा हूं घड़ी के टाइम से 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक यदि लाइट आने के बाद भी अपने गाड़ी चलाई तो इंजन पूरी तरीके से सीज हो जाएंगे, कोई बता नहीं सकता, 100% मैं बता रहा हूं ये बात। अब मेरे पास भतेरा केस आते हैं, तो ऐसा करना, आपको ऑयल का लेवल चेक कर लेना है, यदि ऑयल भी पूरा है उसके बाद भी लाइट आ रही है तो गाड़ी बंद कर दो, टो करके वर्कशॉप लेके जाओ। अब इसमें भी एक तरह का है कि एक बार होता है कि एक कंटिन्यू लाइट आ रही है इंजन ऑयल की और एक ब्लिंक कर रही है आइडल में। गौर से सुनना वीडियो को, जो भी वीडियो बनाता हूं गौर से सुनना।
जो लाइटें ब्लिंक कर रही है इंजन ऑयल की और हल्का सा आरपीएम देते वो लाइट खत्म हो जा रही है, तो डरने की बात नहीं है, आप घर तक पहुंच सकते हो, गैराज तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चला सकते हो गाड़ी को। सिर्फ एक बार रोक के ऑयल चेक करना होगा, लेकिन वो ऑयल की लाइट कंटिन्यू जल रही है तो भाई मेरे, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी वहीं रोक देना, मत चलाना उस गाड़ी को थोड़ा बहुत भी, क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी लापरवाही आप करोगे, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, इंजन हो जाएगा तुरंत ही सीज। तो इस चीज का ध्यान रखना बस। तो पहली जो हमारा लाइट वार्निंग लाइट थी वो ऑयल प्रेशर लो की लाइट थी। अब बात कर लेते हैं सेकेंड लाइट के बारे में कि सेकेंड कौन सी लाइट है। ठीक है, वो सेकेंड लाइट है कूलेंट टेम्परेचर की लाइट। इसमें तीन तरह की लाइट है, ग्रीन, येलो, रेड। कूलेंट टेम्परेचर में ग्रीन, कूलिंग सिस्टम ओके है, कूल है अभी इंजन। येलो आ गया, कूलेंट का लेवल लो है, कोई दिक्कत नहीं है, कूलेंट आप पूरा टॉपअप कर सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यही लाइट रेड में आ गई, टेम्परेचर की लाइट, तो बहुत ही ज्यादा घातक है इंजन के लिए। आप इसके बाद से गाड़ी चला दी है ना, तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका इंजन सीज या हेड गैस्केट फट सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, महिंद्रा जेलो, पाइप फट गया, कूलेंट लीक कर गया, लाइट आई होगी, 10 से 15 मिनट के अंदर इंजन सीज हो गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जेलो का भी और i20 का भी, दोनों का देख लेना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये हुई दूसरी लाइट कूलेंट टेम्परेचर की। ये रेड कलर की लाइट आ गई तो भाई आपको गाड़ी तुरंत लगानी होती है साइड में, और आधा घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद से कूलेंट का ढक्कन खोलना होता है सावधानी से, और कूलेंट कम है तो कूलेंट डाल देना होता है। अब फिर नीचे का लीकेज चेक कर लेना होता है कि कहीं से लीक तो ना कर रही है, यदि लीकेज कर रही है तो मैकेनिक के पास लेके जाओ, जबरदस्ती करोगे इसमें गाड़ी खींचोगे, इंजन सीज हो जाएगा। बाद में मत कहना कि मुकेश भाई ने बताया नहीं। ठीक है, तो दूसरी लाइट तो कूलेंट टेम्परेचर की हो गई। ये दो वार्निंग लाइट ऐसी थी कि आपने अनदेखा करा, लापरवाही करी तो आपका इंजन हो जाएगा सीज। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरी लाइट के बारे में। वो तीसरी लाइट इंजन तो नहीं सीज कर सकता, पर आपको हैंग जरूर कर सकता है। वो ऐसी लाइटें हैं, वो है अल्टरनेटर की लाइट, बैटरी चार्जर जो अलर्ट होता है हमारे पास लगा रहता है डैशबोर्ड में, वो बैटरी चार्जिंग वाला होता है। गर्मी बहुत है यार, 1 मिनट। बैटरी की लाइट जब भी आ जाए भाई, चलती गाड़ी में आ रही है तो बंद मत करना गाड़ी, चलने देना उसको, और कहीं ऐसा हो कि अस्थिर जगह पे पहुंच जाओ वहां जाके गाड़ी बंद करना, जैसे किसी वर्कशॉप पे पहुंच गए या किसी ढाबे पे जा रात भर गाड़ी खड़ी हो सके, ऐसी जगह पे जाकर उसको बंद करना होता है। वो इंजन नहीं स्विच करेगा लेकिन आपको हैंग इसलिए कर देगा क्योंकि जो वो लाइट आने का मतलब यह है कि बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही है, और जितने भी इंजन के अंदर कंपोनेंट, सेंसर, जितने भी डिवाइस लग रहे हैं इलेक्ट्रिक, उसमें टोटल बैटरी से ही सर्किट जाता है, तो अल्टरनेटर काम नहीं करेगा, बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, तो बैटरी के अंदर जितना पावर रहेगा उससे आप सिर्फ 20 किलोमीटर ही जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। 20 किलोमीटर के बाद आपका इंजन हो जाएगा ठप, इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं सही जगह पे लगा के गाड़ी रोक देना, क्योंकि अल्टरनेटर का फॉल्ट होगा तो अल्टरनेटर करना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी चलेगी, ऐसे चला ही नहीं सकते। और दूसरी चीज कि कहीं घर से निकल रहे हो और ये वाली लाइट आ गई तो आपको ये गाड़ी नहीं लेके जानी है, ये गाड़ी को खड़ी कर देना है, मैकेनिक से पहले करवाना है, तभी गाड़ी को लेके जाना है। मैं देखता हूँ यार ऐसे काम में लाइट आ रही है, कस्टमर बता रहे कि लाइट आई थी जब निकला था, अब 10 किलोमीटर हाईवे में फंस गए, मैं भी परेशान, वो भी परेशान, पूरा का पूरा दिन गया, पूरी दिहाड़ी गई। हम तो पैसे लेके काम कर रहे हैं लेकिन परेशानी दोनों लोगों को होती है हाईवे के अंदर, हाईवे पर गाड़ी खराब होना बहुत दिक्कत होती है यार, देखता हूँ। इसलिए ये तीन लाइटें, ऑयल प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर और बैटरी, ये तीन लाइटें आ गई तो बहुत ही सावधानी बरतनी होती है आपको, ये बहुत डेंजर होते हैं, और ये इंजन खुलवाते हैं, हर महीने मैं इंजन खोलता रहता हूँ। ठीक है, तो ये रहे सारे लाइट के बारे में। अभी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कैसा आपको लगा कमेंट में मुझे बताइएगा, और आप कैसे हैं ये मुझे कमेंट में बताइएगा, कैसा चल रहा है इस टाइम का माहौल जगह जगह का वो मुझे बताइएगा, थोड़ा सा अपडेट होता रहूंगा। घर पे हूँ मैं अभी, अब जाऊंगा जुलाई में।
मेरे से बात करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप हर मंगलवार को शाम को 5 से 6 आप बात कर सकते हैं आसानी से। ट्यूसडे 5 बजे से 6 बजे शाम को पर डे 1 घंटा बात कर सकते हैं, गारंटेड फोन उठाऊंगा। और व्हाट्सएप का मैसेज ज्यादा नहीं दे पाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 20-25 या 30 लोगों को मैसेज पर डे दे पाता हूँ। अभी देख सकते हैं 17,000 से ज्यादा मैसेज है व्हाट्सएप पे, तो धीरे धीरे ही हो रहा है। और कमेंट का जवाब तो बहुत फास्ट दे रहा हूँ आजकल, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, और घंटी जो है ना घंटी आल पे सेट कर लीजिएगा बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो, और कम अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और बिल्कुल ही अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भाई जरूर मार के जाना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं वैसे वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल में भाई, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस वाले आदमी है भाई, 20 साल से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होता है हर चीज का, तो पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा क्या अच्छा है क्या बुरा। तो ओके थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू।